जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर बॉलीवुड के बादशाह का नाम छाया, तो ये मंजर देख शाहरुख के फैंस ही क्या, खुद शाहरुख भी सातवें आसमान पर थे। और ये पहला मौका है जब शाहरुख के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा पर उनका नाम और उनकी फिल्म के पोस्टर चलाए गए और शाहरुख ये सब दुबई में खड़े होकर अपनी आंखों से साक्षात देख रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब एसआरके का नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर छाया है। पिछले साल 54th बर्थडे पर शाहरुख बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हैप्पी बर्थडे के साथ बुर्ज खलीफा को ओम शांति ओम के अपने सॉन्ग धूम ताना के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को रोशन किया। और आपको बता दें कि 55th बर्थडे के साथ शाहरुख ने बुर्ज खलीफा पर दूसरी बार छाने पर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि शाहरुख खान बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार है जिनका नाम बुर्ज खलीफा पर छाया है। और अब दूसरी बार भी ये कारनामा शाहरुख खान ने ही किया है। जाहिर है ये सुनकर शाहरुख के फैंस को उन पर बेहद गर्व महसूस हो रहा होगा। वैसे आपको बता दें कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर शाहरुख के अलग अलग फिल्मी किरदार की स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद अंग्रेजी, अरबी और हिंदी में शाहरुख को बर्थडे की शुभकामनाएं दी गई। और बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत हुई स्क्रीनिंग का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया और शाहरुख को बर्थडे विश किया। वही कुछ शाहरुख ने अपना नाम बुर्ज खलीफा पर आने के लिए ये ट्वीट किया, इट्स नाइस टू सी माई सेल्फ ऑन द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट स्क्रीन इन द वर्ल्ड, माई फ्रेंड मोहम्मद अलबार हैज मी ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन इवन बिफोर माई नेक्स्ट फिल्म, थैंक्स एंड लव यू ऑल बुर्ज खलीफा इन इमारत दुबई, बीइंग माई ओन गेस्ट इन दुबई, माई किड्स माई टीम प्रेस्ड एंड मी इज लविंग इट। Well, no doubt शाहरुख खान सच में किसी बादशाह से कम नहीं, ऐसी बादशाहत शायद ही किसी की हुई है और अब शायद ही किसी की होगी। Long live the king शाहरुख खान। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।